तो आज हम जा रहे हैं, आज हम आए हुए हैं द्वाराहाट, द्वाराहाट जो पुरानी तहसील है उसके नीचे। यहाँ पर ये देखो नार पंखो आ रखे हैं अभी, और यहाँ पे एक नौला है और उसके जस्ट नीचे एक दो खेत नीचे है एक गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है, तो उसको देखने जा रहे हैं। काफ़ी कम लोगों ने ही वो अभी तक देखी हुई है, द्वाराहाट क्षेत्र में भी काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है, तो आज आपको दिखाते हैं। काफ़ी नीचे भी है ये, कोई इसका ऐसा कुछ पता भी नहीं है कि हाँ यहाँ हो सकती है, क्योंकि रास्ता भी देखते, कोई रास्ता नहीं है नीचे आने के लिए अच्छा सा। ये आपको दिखाते हैं, ये ऊपर जो है एरिया वो है पुरानी तहसील है द्वाराहाट की। यहाँ पे अभी दिखा देंगे आपको, देखो नौला तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति भी है जो कि काफ़ी पुरानी है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था, मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, वो भी हम वही खोजने जा रहे हैं। पुराने हाँ, कई सारे पुराने अवशेष यहाँ पर देखने को मिलेंगे अभी। तो देखिए एक चक्र बना हुआ है यहाँ पर, पत्थर पे ही कलाकृति सारी बनी होंगी, क्योंकि पुराने समय में जो लोग थे वो पत्थर पे ही कलाकृति चित्र वगैरह बनाया करते थे। ये देखिए क्या हो गया, ये क्या है, इसमें डिजाइनिंग की गई है, देख रहा है, ये देखो आगे टूट भी गए, इसका एक पोर्शन इसका टूट गया है, बाकी ये देखो, बाकी ये रहा पुरानी नौला। ये नौला भी काफ़ी पुराना हुआ है, या नॉलेज जितने भी होते हैं पुराने होते हैं। ये निकल, ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए कितना खतरनाक है, यहाँ तक पूरा पानी आया है, वो भी कांचवाद जम गया, वो भी सकती क्योंकि एक तो ऊंचा भी बहुत है इसके ऊपर। तो अभी यहाँ आसपास एक गौतम बुद्ध की मूर्ति भी है, तो सबसे पहले उसे देखते हैं, ढूंढते हैं मतलब, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है वो है कहाँ, किसी ने मुझे बताया था वो यहाँ के काफ़ी, ये शायद ये मूर्ति, ये तो नहीं है, देखो ये पत्थर दिख रहा है हमें, और उन्होंने बोला कि वो पत्थर में ही वो है, वो बना हुआ है गौतम बुद्ध जी का चित्र है। तो नीचे जा सकते, तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ कोई रोज नहीं आता है, और नौला भी आप देख रहे हो बिल्कुल अजीब सा है, काफ़ी पुराना हो चुका है। जी देखिए ये पत्थर, अच्छा एक पत्थर वहाँ, ये पत्थर नहीं है, वरना इसमें होती कलाकृति। हाँ वहाँ है यार, तो ये देखिए वो शायद वो वाला पत्थर है, छेनी हथौड़े से शार्पनेस देखो ना, वही तो भयंकर, बताओ यार इतनी अब नहीं कर पाएंगे। देखो गाइस ये देखिए गाइस, ये है गौतम बुद्ध, ओए होए ये देखिए, वाह इसमें आंखें उतनी अभी विजिबल नहीं है, बनाई है नहीं बनाई है, लेकिन वैसे पोस्टर तो दिया है इन्होंने, देखो ये भी अब माला वाला सारी है यहाँ पे, लेकिन उतनी अभी जो है क्लीननेस नहीं आ पा रही अभी, बाकी इन्होंने सारा सेप तो अच्छे से दिया हुआ है। ये देखिए गौतम बुद्ध, ये भी मूर्ति है, देख पाउंड टूट गया इसका, हाँ पूरी टूट रखी है, ये देखो टूट गई मूर्ति है, मूर्ति इसके यहाँ पे पाँव इधर भी मूर्ति है, देख दो जांग से टूट गई, ये देखो इसका ये वाला एक पाँव तो है लेकिन दूसरा नहीं है, दोनों तरफ है देख, दोनों तरफ हाँ हाँ दोनों के पाँव नहीं है, लेकिन या तो बनाई ऐसी है फिर टूट गई होगी बाद में भाई साहब, इसमें तो ऐसा लकड़ी होगी, लेकिन पूरा पत्थर बना होगा इस, देखो पीछे से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से आगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें कोई चित्र बनाया होगा, इतनी खतरनाक बेहतरीन कला चित्रकला ये देखिएगा, इस पुराने जमाने के लोग करते थे, ये देखिए वाह।
अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे भी यहाँ पे, यहाँ के बारे में किसी ने बताया था, तो मैं आज, मैं और पंकू देखने आए हैं कि हाँ ये वाकई में है कि नहीं है। तो हाँ ये बात बिल्कुल रियल है, देख सकते हैं आप। ऊपर पुरानी तहसील है दौराहाट, काली खोली रोड है ऊपर से, और जस्ट उसके नीचे नीचे थोड़ा आप आएंगे यहाँ पे एक नौला पड़ता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा राइट आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मूर्ति दिख जाएगी। बाकी इसमें कुछ फन वन तो लिखा नहीं है, लिखा भी होगा तो दिख नहीं रहा है, या मीडिया होगा, क्योंकि इसकी ना वो नहीं है कोई ना, मतलब ये पत्थर टूटने वाला ही है ना, खुद ही टूट गया होगा। अरे मिट्टी इसमें रोज पड़ पड़ेगी ना, बारिश भी तो वो है, तेजाब डालती है उससे वो हो गया है, दासी टाइप का है ना, चूरा होने वाला पत्थर। क्या लगता है पंगू कितनी पुरानी हो सकती है? ये देखिए यार गई, मतलब यहाँ से तो बंदा अनुमान लगा ही नहीं सकता कि नीचे इस पत्थर में कुछ होगा। आप यहाँ पे भी खड़े हो गए ना, तो आप नहीं लगा सकते अनुमान। कौन से वाला हो सकता है? कुछ ऐसा कुछ इसमें इसवी ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ है जिससे पता लग सके कितनी पुरानी है। तो वाकई में गई ये चीज़ काफ़ी अनूठी है। ये देखिए मतलब आप अगर यहाँ पे से खड़े होके इसके टॉप में खड़े होके देखेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे मूर्ति भी हो सकती है। देखो नॉर्मल, ये देखो, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है। ये देखो, ये देखिए, वाह। बाकी पूरा जंगल है और यहाँ मुझे लगता कोई आता भी होगा ज़्यादा, क्योंकि रास्ता बना ही नहीं है यहाँ पे। अगर आता होता तो ये भी ऐसे पौराणिक चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, इससे लोग देखने टूरिज्म प्लेस हो ही सकते हैं। तो पुराने हैं जाते हैं उनको, जो जो जानते होंगे उनको लेके आते हैं। तो पुरातत्व वालों ने इसकी भी खोज करनी चाहिए वैसे। कर रही होगी, नहीं नहीं वैसे कि कब का बना होगा कुछ सब करा होगा इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए गजब गजब। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें आगे। बाकी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ देखने ज़रूर आएँ एक बार, अगर आप दौराहाट आते हैं कभी तो। दौराहाट काली खोली रोड से पुरानी तहसील के जस्ट नीचे आप आएंगे, थोड़ा चार पांच खेत नीचे उतरेंगे तो आपको एक नौला दिख जाएगा। नौला नहीं, थोड़ा मतलब खेत नहीं, थोड़ा पहाड़ जैसे ही हैं तो आपको नौला ऊपर से दिख जाएगा। उसके राइट तरफ अगर आप आएंगे तो आपको ये वाली मूर्ति यहाँ पर ज़रूर दिख जाएगी। तो देखिए वो वहाँ पर से आपको दिख जाएगी, नज़र आ जाएगी यहीं पर जस्ट मूर्ति। बाकी चलते हैं अब आप, बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखिए कुछ ऐसे रास्ते से होके आना पड़ेगा। बाकी वो ठीक वहाँ पे वो देखिए वाला पत्थर है, वहाँ पे है मूर्ति बनी हुई है। बाकी जस्ट यहाँ पे नौला है, और जैसे ही आप इधर जाएंगे लेफ्ट 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 थोड़ा सा, तो वो वाला पत्थर है ना वो सामने दिख रहा है, उसी में बना हुआ है बस, यहीं का आपका तिरछे तिरछे जाके यहाँ मिल जाएगा। तो ये है इस पुरानी तहसील, और यहाँ पे अब स्कूल चलता है छोटे बच्चों का। बाकी आप यहाँ पे से, ये मेन रोड है, यहाँ पे से आप आएंगे और यहाँ से आपने जस्ट नीचे को जाना है और आप वहाँ तक पहुँच जाओ। फिलहाल तो आ चुका हूँ इसमें घर, और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से पता किया इसके बारे में, और किसी को कुछ भी नहीं पता इस मूर्ति के बारे में, जो ये इस पत्थर में जो दौराहाट में जो मूर्ति जो उकेरी गई है, तो उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज है नहीं अभी फ़िलहाल ज़्यादा। और एक भैया मिले थे, वो भी क्योंकि मैंने उनका एक वीडियो देखा था, फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था, तो उनसे मिला था, तो वो बता रहे थे उनको भी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज तो है नहीं, लेकिन वो बता रहे थे ये लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। और ये जो है ये मूर्ति है ना, अभी ये पुरातत्व विभाग वालों के अंडर भी नहीं है, तो इस कारण से मूर्ति की जो है सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है, जिससे आपने देखा होगा कि मूर्ति में कई सारी जगह मतलब डैमेज हो चुकी बहुत सी जगह, और उनकी जो गौतम बुद्ध की जो आंखें हैं वो भी क्लियरली विजिबल नहीं हैं, थोड़ा बहुत जो उनका और डिज़ाइनिंग दी गई हैं वो क्लियर नहीं है। अगर उसे पुरातत्व विभाग वाले अपने शरण में लें या अपने अंडर ले लें तो कई हद तक उसको बचाया जा सकता है फ्यूचर के लिए। बाकी व्लॉग अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।